बड़ी खबर इस वक्त मसूरी देहरादून मार्ग रोड से आई है, जहां आईटीबीपी के पास एक रोडवेज बस अनियंत्रित हो गई। बता दें कि बस में सवार कई लोग इस दौरान घायल हुए हैं। मसूरी पुलिस फायर सर्विस 108 एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना हो गई है। बता दें कि तेज बारिश होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। जानकारी मिल रही है कि इस बस में करीब 36 लोग सवार थे, जिसमें से 17 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को फिलहाल मसूरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ये मामला आज दोपहर का है, जब मसूरी देहरादून मार्ग पर आईटीबीपी के पास एक बस पलट गई और बस पलटने की खबर मिलने के बाद ही मौके पर स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और 108 एम्बुलेंस की टीम मौके के लिए रवाना हुई। दरअसल मसूरी में हो रही भारी बारिश के चलते राहत बचाव कार्यों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारी बारिश की बड़ी चुनौती का सामना करते हुए स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम ने सभी लोगों को रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल हादसे की वजह क्या रही है इस बारे में नहीं पता चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी। अरे से निकालो बुड्ढे को यार, बहन चोर दिए ऐसे कैसे दिख गया वो है। सोचो पेड़ टूटा, ये पूरा पेड़ हिला ना मेरे सामने, पेड़ हिल रहा था तो मुझे लगा कि पेड़ कुछ क्या पेड़ गिर गया। Come on, come on, come on!